वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से वापस आ गए हैं तो आए और भी लोगों से बातें कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। क्या नाम है आपका? जैन। बच्चे का नाम? मोहम्मद ताहा। आपका नाम? जिया। क्या कुर्बानी की? हमने बकरी की कुर्बानी की। बड़ा ओके, चले जी मुझे बता दें कि क्या आज बनाया? डेफिनेटली फर्स्ट डे तो कलेजी वगैरह ही बनती है। ओके जी, गोश्त कब तक बांट दिया था? गोश्त सुबह ही बांट दिया था, उसके बाद हम लोग फ्री होकर हम लोग इंजॉय करने आए हैं। जबरदस्त। चले मुझे ये बता दें कि जो गोश्त बांटा, गरीबों को ज्यादा फोकस रखा या रिश्तेदारों पे? नहीं, गरीबों को। वेरी नाइस। ओके जी, सर मुझे बता दें कि किस जानदार की आंखें जो हैं वो स्क्वायर होती हैं? लाइक हमारी वो आलमंड शेप है ना, उसकी स्क्वायर होती हैं। चकोर। जानवर है? जानवर में से मतलब ऑप्शन नो आप शेयर करेंगे? मैं कुकीज़ की रेसिपी शेयर करूँगी। आप 1.5 जो है, हाफ कप जो है चीनी ले लें, पिसी हुई चीनी, और हाफ को उसमें घी डाल लें, और 1 कप जो है उसमें सोडा डाल लें, वो सोडा सॉरी बेकिंग ये कहते मैदा डाल लें, और 1.5 स्पून जो है उसमें इनके बेकिंग सोडा डालें, उनको मैं मिक्स करें। उसके बाद जो है उनकी छोटी छोटी कुकीज़ बना लें। ये जो है दोनों जो है मतलब उसमें विदाउट ओवन भी और ओवन भी दोनों बन सकते हैं ना। ओवन में जो है आप 3 मिनट दे दें माइक्रोवेव ओवन में, और विदाउट ओवन अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है आप 25 to 30 मिनट दे सकती हैं। ज़बरदस्त की बनेगी है ना। ज़बरदस्त। सर आप क्या शेयर करें? मैं कुर्बानी के हवाले से शेयर करना चाहूँगा कि हम लोग कुर्बानी करते हैं, एक सोलफुल और बहुत अच्छा इवेंट है, बट ये है कि उसकी बाकियात जो है हम उसको प्रॉपर पॉली बैग में या गवर्नमेंट की तरफ से जो भी डिक्लेयर्ड जगह है वहाँ पर उसको रखें। ऐसे नहीं करें कि हम बीमारियाँ फैलती हैं उससे, बाहर रोड पे नहीं फेंकें, किसी के घर के आगे नहीं फेंकें। तो ये मैं कहना चाहूँगा ताकि हम सेफ रहें, और इससे हमारी जेट प्लेन जो हैं एयरपोर्ट्स पर जो हैं उसकी वजह से परिंदे वगैरह आते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। सो कीप इन माइंड। सेकेंड या थर्ड डे हम लोग जो है जिस तरह से हम लोग फेंक देते हैं कि कुर्बानी के बाद हम लोग घर से निकल नहीं सकते, इतनी स्मेल होती है, तो कम से कम वो हमें नहीं करना चाहिए। तो बस आपने क्या किया उसको, कैसे बाकियात को कैसे आपने किया? क्योंकि कंटोनमेंट के एरिया तो उन्होंने पॉली बैग्स दिए थे और डिक्लेयर्ड जगह उन्होंने बताई थी, उसी में डाले। हाँ जी, जबरदस्त। इसमें तो आपको डबल नाम देना चाहिए। ये ले जी, लाहौर न्यूज की तरफ से आप लोगों के लिए गए कर्शी जामे श्री की तरफ से आपके लिए गए अब अपना लहदा शरबत पिए। जी वेलकम जी नाज़िम, बहुत मज़ा आया किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। खैर मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। बड़ी प्यारी हो। अच्छा जी, चले मुझे ये बता दें क्या कुर्बानी की? बकरा कुर्बान की है। बकरा, ओके। चलो मुझे बताओ बकरे के कितने स्टमक होते हैं? एक दूसरे दिन एक बकरे में कितने स्टमक होते हैं? एक स्टमक होते हैं एक बकरे। कभी वो खाया नहीं इसलिए पता नहीं है, वरना पाएगा भी पता नहीं। बाकी पता है ना क्या क्या होता है? चॉम्स होती हैं, गुर्दे। चॉम्स होती हैं, गुर्दे। बड़े शौक से। स्टमक कितने होते हैं? स्टमक और सिरी पाए। चले जी, क्या शेयर करेंगी? हाँ, गाना। मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तो यू जान मेरी, मैं तेनू समझावा की। जबरदस्त। आप क्या शेयर करोगे? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder if you are up about the like a high, like a diamond in the sky. Wow! जबरदस्त। आप क्या शेयर करेंगे? आप क्या करती हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं। चले जी मुझे बताएं कोई बात ईद के वाले से क्या करना चाहिए? ईद पे जो लोग गोश्त बहुत ज़्यादा खा लेते हैं उससे कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, तो थोड़ा लिमिट में रह के खाना चाहिए ताकि आपकी हेल्थ जो है वो नॉर्मल। टिप नहीं है उसके बाद ऐसा क्या खाएंगे वो बेटर हो जाए? उसमें आप ये है कि आप ग्रीन टी पी सकते हैं गोश्त खाने के बाद ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, और गोश्त भी लिमिट में खाएं, बहुत ज़्यादा ना खाएं।
और बस यही है. गुड हो गया. अच्छा मुझे बताएं, शो शौक से देखती हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. एक दफ़ा ऊंचा सा बोल दें सारे मिलके, ईद मुबारक. ईद मुबारक. ज़बरदस्त. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गैब. करशी जामे शीरी की तरफ से आपके लिए गैब. करशी जामे शीरी की तरफ से आपके लिए भी गैब. करशी जामे शीरी की तरफ से आपके लिए भी गैब. करशी जामे शीरी की तरफ से आपके लिए भी गैब. ठीक है चले. थैंक यू जी. नाते बड़ा मजा आया. हमने सबको अलग अलग जो है वो शरबत दिया. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. ईद मुबारक. खैर मुबारक. क्या कुर्बानी की? 3 बकरे हमने जिबा की. माशाल्लाह जबरदस्त. किसने किए जिबा? कसाई ने. हमने खुद थोड़ी. खुद तो कभी ट्राई नहीं ना, ना कभी भी. गुड हो गया. अच्छा चलो मुझे ये बताओ जो उसकी बाकियात हैं उसको कहीं फेंका तो नहीं बाहर जाके? नहीं नहीं डस्टबिन में नहीं फेंकना चाहिए बिल्कुल. क्या किया उसका? मतलब उसको वेलफेयर सोसाइटीज को देना चाहिए. मतलब उसको जो बास्केट्स हैं उसमें नहीं करना चाहिए. उसकी वजह से उसका काम खराब होता है. मतलब जर्म्स फैलते हैं. बिल्कुल. चलो गुड हो गया. ओके मुझे ये बता दें, कहते हैं कि छोटी ईद लड़कियों की होती है, बड़ी ईद लड़कों की होती है. सही है. लेकिन मुझे बताया क्या करते हैं बेचारे? सारा दिन गोश्त बांटते रहते हैं. क्या होता है आप लोगों का खास? बस गोश्त बांटने में लग जाता है. वैसे मेरा नहीं ख्याल इसके अलावा कोई काम बचता है. पहला दूसरा दिन ऐवी बस नाम है. ऐवी बस नाम है. छोटी भी हाथ से जाती है ईद और बड़ी में भी कुछ नहीं मिलती में तो फिर भी इंजॉय हो जाता है. वो कहते हैं छोटी ईद होती लड़कियों की है. उनकी चूड़ियाँ, मेहंदी, कपड़े, ईदी है ना. आइयों से ईदी भी लेती हो? हाँ बिल्कुल लेती हूँ. अच्छा दी कभी है? हाँ जी भाई ने दी है. आपने कभी दी है? नहीं नहीं अभी मैं बहुत छोटी सबसे छोटी हूँ. देखा बस लड़के हमेशा मारे जाते हैं. चलो जी मुझे बता दो कि अमेरिका में बकरी सबसे पहले कौन लेकर आया था? अमेरिका में बकरी सबसे पहले कौन लेकर आया था? शेयर करना चाहूंगी पकौड़ों की रेसिपी सबसे पहले. अरे ईद पर पकौड़े कौन खाएगा? नहीं नहीं हम खाएंगे. नहीं मुझे कोई मटन या बीफ की कोई रेसिपी बताओ. ओके okay, सबसे पहले आप कढ़ाई, सबसे पहले आपने गोश्त उसको मतलब गालने के लिए उसको सबसे पहले प्रेशर में पानी लिया और उसमें गोश्त डाला. उसमें तमाम मसाले, नमक, मिर्च, सूखा धनिया और गरम मसाला वगैरह ऐड करके और उसमें प्रेशर लगा दें और 15 मिनट के लिए उसका वेट लगा दें और उसके बाद उसको कढ़ाई में डाल के और भून लें और आपकी कढ़ाई तैयार. वेरी नाइस. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गैप. करशी जामे शीरी की तरफ से भी आपके लिए गैप. पकड़ो पकड़ो. करशी जामे शीरी की तरफ से आपके लिए एक और गिफ्ट. थैंक यू जी. नाज़रीन बड़ा मज़ा आया. ईद है, लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया जा रहा है. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. मुबारक. खैर मुबारक. क्या कुर्बानी की आज? आज बकरों की कुर्बानी की है. 2 बकरे 2. ओके जी आपका नाम क्या है? मेरा नईम. मैं अक्सर इस्लाम. सरीना नईम. ओके बनाया क्या? मटन कढ़ाई. आओ कलेजी नहीं बनाई? कलेजी भी बनाई है. ओके ठीक हो गया. चले जी मुझे बताए रोजा किसने रखा था? वो जो कुछ आवर्स का होता है कुर्बानी के गोश्त से खोलते हैं. वो अभी किसने रखा? ऐसे सही है भाई खाते जाए बस. ओके जी आपसे सवाल करते हैं. ठीक है जी. मुझे बताओ किस जानवर की आंखें जो है वो चौरस होती हैं? कोई बात नहीं. क्या शेयर करेंगे? आप वेजिटेबल राइस विद चिकन हॉट सॉस कर सकते हैं. एक सिंपल राइस को फ्राई करें और उसमें वेजिटेबल्स डाल दें और हॉट सॉस आप क्रिस्पी फ्राई लेके उसको लगा के उनको फ्राई कर उस पर सर्व करके केचप डाल के खाएं. जबरदस्त. सर आप कुछ भी नहीं. कोई पॉइंट सुनाओ. मैसेज हमें खुबाने की खा लें सड़क नहीं फेंकती इससे ज़्यादा बीमारी फैलती है इसलिए हमें किसी को दे देनी चाहिए. जबरदस्त. लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोगों के लिए गए. करशी जामे शीरी की तरफ से आपके लिए गए. आपके लिए भी. और आपके लिए भी. आपको नहीं देना मुझे कुछ नहीं आया. जी बड़ा मजा आया. लोगों से बातें की जा रही है. किसी और से बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम. ईद मुबारक. खैर मुबारक. खैर मुबारक. ईद मुबारक. खैर मुबारक. ओके जी मुझे बताएं क्या नाम है आपका? जफर मुर्तजा ताहिर.
آپ کا سفر؟ خدیجہ قرۃ العین. کون سی کلاس میں ہو؟ سکس. آپ کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں. میں پولر بھی ہے اور ہاؤس وائف بھی. ارے واہ زبردست. کیا بنایا آج؟ چامپس, فرائی چامپس. اوکے, مجھے بتائیں کیا قربانی کیا کی؟ بکرا. بکرا. اچھا, مجھے بیف بہت کم لوگ کر رہے ہیں, کیوں؟ بس اپنی اپنی چوائس ہے. ہاں یہ بھی نہیں چاہتا وہ زیادہ, بہت زیادہ ہے تو وہ اتنا ہیلدی بھی نہیں. چلے جی کوئی گل نہیں, سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ کہ قربان نہیں کی اس کے بارے میں سوال کر لیتے ہیں. اس کو کون سے دو رنگ ہیں جو نظر نہیں آتے؟ کاؤ کو کون سے دو رنگ ہیں جو نظر نہیں آتے؟ کاؤ کو دو رنگ کون سے نظر نہیں آتے؟ بلیک اور وائٹ. نو. کوشش تو کرو. گرین اینڈ یلو. ریڈ. ریڈ رائٹ. اور دوسرا؟ اور ریڈ بلو ہو سکتا ہے. رائٹ. کلیپنگ کریں اپنے لیے. اوکے جی, کیا شیئر کریں گے؟ یہ شیئر کریں, آپ سے پوچھا آپ کیا شیئر کریں گے؟ میں کیا شیئر کروں گا آج, فی الحال تو کھانا ہی شیئر کر سکتا. بتا دیں, مجھے بتائیں آپ کی جو گوشت کی جو باقیات تھیں اس کا کیا کیا؟ سڑکوں پہ تو نہیں پھینکا؟ نہیں سڑکوں پہ نہیں پھینکا. پکی بات ہے؟ بالکل پکی بات. چلیں جی, اور آپ بتائیں کیا شیئر کریں گے؟ بلکہ اچھی چیز ہے کہ سمیٹ کے شاپر میں ڈالیں تاکہ کمیٹی والے آئیں وہ اٹھا کے لے جائیں. کیا شیئر کریں گے؟ میں چامپ ہیں, اس کی ایک آپ کو ریسیپی بتاتی ہوں کہ چامپس کو اچھی طرح صاف کر کے پھر دہی لیں. ایک کلو چانپ ہے تو ایک کلو ہی دہی ہونا چاہیے, ٹھیک ہے؟ اس میں اس کے مسالے ڈالیں اور اس کو فریز کر دیں, ٹھیک ہے؟ آدھا پونا گھنٹہ اس کو فریز رکھیں, اس کے بعد اس کو نکالیں اور ہلکی آنچ پہ اس کو فرائی کریں, ساتھ کیچپ اور پودینے کی چٹنی کے ساتھ کھائیں, بہت مزہ آئے گا. زبردست. آپ کیا سناؤ؟ دل دل پاکستان, دل دل پاکستان, جاں جاں پاکستان, دل دل پاکستان, جاں جاں پاکستان, ایسی زمین اور آسماں جن کے سوا جانا کہاں, بڑھتی رہے یہ روشنی, چلتا رہے یہ کارواں, دل دل پاکستان, جاں جاں پاکستان. ویری نائس. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. کرشی جامع شیری کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ. کرشی جامع شیری کی طرف سے آپ کے لیے. تھینک یو. یو ویلکم. جی ناظرین, بڑا مزہ آیا بہت پیاری فیملی. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, مجھے لینی پڑے گی آپ سے اجازت. آج عید کا پہلا دن تھا, میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ انجوائے کیا. لوگوں کو لاہور نیوز کی طرف سے بہت سارے انعام دیے اور لوگوں نے مجھ سے بہت باتیں کی. آپ کو میری طرف سے, سب لوگوں کی طرف سے, لاہور نیوز کی طرف سے بہت بہت عید مبارک. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنا فیورٹ پروگرام بوجھو تو جیتو دیکھتے رہیے گا, اور بڑے مزے مزے کے جو ہم نے بکرے کے بارے میں بھی سوال کیے تو تھوڑا سا اس میں آپ کو میں بتا دیتی ہوں. جو کاؤ ہے نا اس کو ریڈ اور بلو کلر نہیں نظر آتا, اور جو بکرا ہے نا اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اسکویئر ہوتی ہیں, اور بکرے کے چار اسٹمک ہوتے ہیں, اور امریکہ میں جو ہے وہ بکرا کولمبس آیا تھا. اتنا بہت ہے نا سوال. اب آپ کو بکرے کے بارے میں بڑی انفارمیشن مل گئی ہے, تو اب آپ کو خالی یہ نہیں چیک کرنا کہ دھوندا ہے یا چوغا ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, اپنا فیورٹ پروگرام دیکھتے رہیں. اپنی ہوسٹ علینا ہارون کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.